पूरे देश के साथ ही खंडवा में भी कृषि कानून के विरोध का असर देखने को मिला। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आज इंदौर इच्छापुर हाईवे पर कृषि कानूनों के विरोध में 6 गांव माखन के पास चक्का जाम किया गया। हाईवे पर करीब 45 मिनट तक चक्का जाम कर जमकर नारेबाजी की गई। वहीं आंदोलन में किसानों के कांग्रेस ने भी अपना सहयोग दिया। वहीं चक्का जाम के दौरान प्रशासन ने इंदौर इच्छापुर रोड का मार्ग डाइवर्ट कर दिया था। किसान करीब 45 मिनट तक इंदौर इच्छापुर रोड पर बैठे रहे। किसानों के द्वारा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन SDM ममता खेड़े को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि इस कानून को तुरंत वापस लिया जाए। पूरे देश के साथ ही खंडवा में भी खुद किसान ना होकर के, खुद मालिक ना होकर के उनके अडानी अंबानी के मजदूर बन के रह जाएंगे। हमारी जो पुरानी पीढ़ियां थी, हमारे जो माँ बाप थे, उन्होंने हमें पढ़ा लिखा करके शायर बना दिया कि आज हम अफसर, पत्रकार या नेता बने बैठे या व्यापारी बने बैठे। लेकिन क्या हमारी आने वाली पीढ़ी को आप लोग इनका गेहूं ऐसा कौन सा उसके अंदर पॉलिश, कौन सा उसके अंदर सामान डाल दिया गया कि अडानी के मॉल पे या अंबानी के मॉल के ऊपर वो 35 से 4500 रुपए क्विंटल हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आम किसान यूनियन, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, भारत सरकार दिल्ली, हमारे SDM खंडवा मध्य प्रदेश महोदय के द्वारा 3 कृषि कानून वापस लेने संबंधी 30 लाख रुपए लेकर एक व्यापारी खराब हो गया अनाज के नाम पर, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये बताइए किस तरह का प्रोटेस्ट था? सीधा सीधा एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था पूरे देश के अंदर, और उस तरीके का प्रोटेस्ट निमाड़ में हम लोगों ने भी किया है। हमने कांग्रेस से मिलकर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है, जो देश के अंदर एक अव्यवस्थाएं फैली हुई है किसानों को लेकर, उसके लिए ये प्रोटेस्ट किया हुआ है, और इसकी आवाज देश के प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए। ये सिंबॉलिक वही प्रोटेस्ट है। कृषि मंत्री बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है खून की खेती कर रही है। कृषि मंत्री जी वो हमको न समझाएं कि आजादी के समय उन्होंने, उनकी पार्टी ने क्या किया। 1925 में बनी हुई पार्टी 1930 में हिस्सा लेने से मना करती है। वो देश की आजादी और खून की बात तो बिल्कुल न करें। अभी आप ही के पत्रकार साथी का एक बहुत बढ़िया व्हाट्सएप आया हुआ है पूरे देश के अंदर, जिसके अंदर बताया गया है कि 4 दिन बाद पाकिस्तान कुछ करने वाला है, जिसकी सूचना अगर देश के PMO को है तो दुर्भाग्य इस देश का, वो हमको देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की बात न समझे।